वो रियली सॉरी, वो मेरी वीडियो पिछली कट चुकी थी तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा था। मैं आपको बता रहा था कि भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से मैंने कलर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बट मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में मैंने आप लोगों को बताना है। तो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई कि ट्रांजिशन मेटल के जो आयन्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो अगर जो ट्रांजिशन मेटल्स के आयन जो हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के जो आयन्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन्स इन एक्वा सॉल्यूशन और इन आयनिक और इन मतलब कंपाउंड फॉर्म में, सीधी बात लिख लीजिए भाई, सीधी सी बात लिख लीजिए भाई, इन कंपाउंड फॉर्म में कैसे हो सकते हैं, वो आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। मैंने सारी आपको चीज़ें क्लियर कर लूँगी, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। अभी देखिए, जो मैंने ट्रांजिशन मेटल्स आयन्स लिखा था ना, सिर्फ आयन, देखिए अकेला आयन स्टेबल नहीं होगा, उसको वो किसी के बीच में तो होगा ना। ट्रांजिशन मेटल आयन कहाँ पे होता है भाई, पानी में होता है, इन एक्वा सॉल्यूशन मीन्स पानी में। अगर आप लोग उसको डालोगे ऐसे तो भाई देखिए चार्ज को रख दे तो भाई चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो चार्ज को किस में डालना पड़ेगा, अगर चार्ज को आपने किस में डाल दिया, जो ट्रांजिशन मेटल के जो आयन्स हैं उनमें क्या है, चार्ज है। तो अगर आपने उसको डाल दिया किसी पानी में, तो पानी में यहाँ क्या हो गया, अगर वो किसी कंपाउंड फॉर्म में होगा, जैसे K2Cr2O7 है ना, कंपाउंड बन रहा है ना इधर, है ना, क्रोमियम है तो इधर कंपाउंड बन रहा है, KMnO4 है, इधर क्या बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है। तो इधर क्या हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म में जैसे Fe2O3, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड, FeCl3, तो ये वाले कंपाउंड है ना, कोई आयोनिक फॉर्म में है, कोई कोवेलेंट फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये वाले जो हैं ट्रांजिशन मेटल आयन, जब क्या होते हैं किसी पानी में डाले होते हैं, या तो क्या होते हैं कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, या बॉन्ड कौन सा होता है, कोई भी हो सकता है, या आयोनिक हो सकता है या कोवेलेंट भी हो सकता है, तो वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। देखिए अकेला जब ट्रांजिशन मेटल होता है एग्जिस्ट करना, तो उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझने के लिए, समझते हो पता कैसे हो, आप लोग इसको समझते हो जैसे कोई ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है ना, ट्रांजिशन मेटल है, आप लोग इसको समझते ऐसे हो, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, पहले इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अभी देखिए, अगर मैंने किसी मेटल को डाल दिया किसी में इन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब किस में डाल दिया, इन इस आयन के पास क्या होगा भाई, पानी होगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, MH2O6 है ना, ये वाला इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। और यहाँ तो क्या होगा, ये किसी कंपाउंड फॉर्म में होगा तब अलग अलग कहानी होगी, ठीक है ना। ये वाला क्या होगा, ये आयन था ना ट्रांजिशन मेटल, इसको मैंने किस में डाल दिया था, इन एक्वा सॉल्यूशन मतलब पानी में डाल दिया, तो ये वाला कंपाउंड बन गया, ये कौन सा कंप्लेक्स बन गया, ठीक है ना, कंप्लेक्स बन गया ना। तो ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है भाई, देखिए जो ट्रांजिशन मेटल, इसमें डी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपको तो मैंने ऊपर बता दिया, इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना, डी ऑर्बिटल्स। अभी देखिए, अगर ये इस फॉर्म में होगा ना, इस फॉर्म में, बट ये इस फॉर्म में होता नहीं है, ठीक है ना, इस फॉर्म में अगर आप ऐसे हाइपोथेटिकल मान लो, जब ये होता है तो इसमें डी में बताया आपको पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में पांच ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5। जब इसके पास ये आता है लिगेंड, है ना, लिगेंड क्यों है, बिकॉज इसके ऊपर चार्ज है, मैंने कल वीडियो बताई थी, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो ये इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं इस चार्ज के ऊपर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी मैंने कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उसका मैंने बताया था कि एटॉमिक रेडियस क्या है, कम है, आयोनिक चार्ज क्या है, ज़्यादा है, वेकेंट ऑर्बिटल्स है, दैट इज व्हाई इट इज एक्टिंग एज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये वाली चीज, अब भी देखिए जो ट्रांजिशन मेटल में क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स, जब इसके पास लीगेंड आता है ना, लीगेंड, जब इसके पास लीगेंड अप्रोच करे, कितने छः लीगेंड्स आए, इसको चारों तरफ से अटैक कर दिया भाई इसको, ठीक है ना, इधर से पानी ने अटैक करा, इधर से भाई, इधर से हर एक जगह से अटैक कर दिया। तो भाई क्या हुआ, आपको चारों तरफ से इसने अटैक करा जब, तब क्या हो गया, जो ये होते हैं ना डी ऑर्बिटल्स, मतलब डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। ये किसमें, दो ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए और तीन ऑर्बिटल्स नीचे आ गए, दो ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए और तीन आगे नीचे। तो ये होता है जब आपके पास क्या आते हैं, छः लिगेंड आते हैं, मतलब छः वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, उसको आप लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। मतलब जब आपके पास कौन सी फील्ड आती है, जब आपके पास छह लिगेंड्स आते हैं, इसके देखो चारों तरफ से आ रहे हैं ना, देखिए पानी इधर से पानी, मतलब हर एक जगह से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो उसने क्या करा, जब इस ये ट्रांजिशन मेटल आयन था, ठीक है ना, उसके डी ऑर्बिटल्स पहले बेचारे पांचों के पांचों ऐसे पड़े थे, इनके नाम थे भाई, नाम मैं इसके आगे लिखता हूँ, ठीक है ना, इनके नाम क्या है वो मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाता है,
जब इसके पास क्या आ जाते हैं, लिगेंड्स आ जाते हैं। लिगेंड, लिगेंड मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके पास आ जाते हैं, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ द लिगेंड। तो ये क्या हो जाते हैं, डी ऑर्बिटल्स, ऐसे के ऐसे नहीं रहते। जब इन इन सभी की इनर्जी, जैसे ऊपर की तरफ क्या हो रही है, इनर्जी क्या हो रही है, समझो बढ़ रही है। ऊपर की तरफ क्या हो रही है, इनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप ऐसा समझ लो कि ऊपर की तरफ क्या हो रही है, इनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर ऊपर की तरफ इनर्जी अगर बढ़ेगी तो इसको इसको आपने कैसे समझना है, पहले देखिए इन सभी की एनर्जी क्या थी, बराबर थी। पांच ऑर्बिटल, जैसे पांच मैंने बोला डी सबशेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं, इन सभी की एनर्जी क्या थी, बराबर थी। ऊपर की तरफ अगर एनर्जी बढ़ रही होगी तो अभी जब इसके पास छः लिगेंड्स आए तो इधर तीन की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और दो की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो भाई यही चीज़ होती है, इस चीज़ को आप लोग बोलते हो भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक पे, इसको क्या लिखना है आपने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ये जो तीन है ना नीचे, इसको आप बोलते हो T2G, इनके नाम है, ठीक है ना, T2G। और जो ऊपर है ना, इनके नाम है भाई EG, इनके नाम है EG। जो मैंने नीचे लिखे इनके नाम है भाई T2G, और ऊपर जो मैंने लिखे उनके नाम है भाई EG। तो जो नीचे मैंने लिखे ना ये वाले, इनके नाम लिख लीजिए, मैं इधर इधर मेरे पास स्पेस नहीं बची है तो इधर मैं लिख नहीं पाऊंगा, इधर आप लोग लिख लीजिए। इसका नाम है जो ये वाला ऑर्बिटल है, इसका नाम है DXY, ठीक है ना, इसका नाम लिख लीजिए भाई DXY, और इसका नाम है DYZ। DXY इसका लिखिए, और इसका लिखिए DYZ, और इसका लिख लीजिए भाई DZX। इसका DXY, DYZ और DXZ, इनका टोटली नाम अगर तीनों को बोलना हो तो आप लोग बोलते हो T2G। नीचे आ गए, इनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होती है भाई, ज़्यादा स्टेबल चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी देखिए ऊपर क्या हो गया, अभी ऊपर क्या हो गया, देखिए ऊपर जो चले गए ना उनके नाम है भाई DX²-Y², चरणों में लिखना है अपने X²-Y², ठीक है ना, डी ऐसे DX²-Y², और इसका लिख लीजिए DZ², और इनको टोटली नाम क्या है, EG, ठीक है ना। ये अलग सी चीज़ है, ये अभी आपको चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है ना, ये आपको हाइयर लेवल का कंसेप्ट है। ये मैं आपको जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उधर मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा बिकॉज थोड़ा इधर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। उधर हमारे पास बहुत सारा समय होगा तो उधर मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, इधर मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि भाई इधर क्या हो गया, ये होते हैं T2G, जो तीन ऑर्बिटल्स नीचे आ गए जिनकी एनर्जी क्या है, कम है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो T2G। जो ऊपर चले गए उनका नाम है DX²-Y² और DZ², इनका नाम है भाई, इनका नाम है EG। नीचे वालों का नाम T2G, ऊपर वालों का नाम EG, ओके। ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ जब हो गई तो आपको अभी क्या चीज़ समझनी है, अभी चीज़ आपको जो चीज़ समझनी है कि भाई स्प्लिटिंग हो गई, जब इसके पास क्या है, लिगेंड आए, लिगेंड आए तो इसकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। उसको आप लोग क्या बोलते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एक की एनर्जी कम है और दूसरे की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। इतनी चीज़ अगर आप लोगों को समझ आती है तो भाई बस आपका काम क्या हो गया, हो गया, ठीक है ना। आपको अभी मैक्सिमम चीज़ें आई थिंक समझ आ ही जाएंगी, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक चीज़ पता है कि ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, ये किसके ऑर्बिटल्स होंगे, ट्रांजिशन मेटल के, आपको पता है। अभी मैं इधर नहीं लिखूंगा, अभी सिर्फ मैंने स्प्लिटिंग बताई आपको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इधर मैं इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं डाल रहा, इधर मैं अभी आपको एक चीज़ पता है कि ट्रांजिशन मेटल साइन में क्या होता है कि भाई आपको पता है इनकम्प्लीटली और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, आप दूसरे सेंस में क्या बोल सकते हो, इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर क्या हो सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर होंगे, ठीक है ना, तो इधर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, वो पहले कम वाली एनर्जी में जाएंगे, ठीक है ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर पड़े होंगे तो इधर देखिए स्प्लिटिंग हो चुकी है ना, स्प्लिटिंग हो चुकी है। तो भाई अगर इसके ऊपर मैं क्या डाल दूँ, एक विजिबल लाइट डाल दूँ, ठीक है ना, मैंने बोला था विजिबल लाइट। अभी देखिए उसकी मैंने एनर्जी वगैरह सब कुछ बताया, वायलेट की एनर्जी क्या है सबसे ज़्यादा, और रेड की एनर्जी क्या है सबसे कम है, तो ये वाली चीज़। तो उधर क्या होता है, तो एक एनर्जी वो क्या करता है, वो उसने वो वाली विजिबल लाइट को क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, जो इधर नीचे पड़े हुए हैं उन्होंने क्या कर लिया, जो एनर्जी ऊपर से आ रही है विजिबल लाइट को उसने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। और एब्जॉर्ब जब कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो भाई देखिए पहले इसने लाइट को एब्जॉर्ब करा था ना, तो अभी वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में चीज़ ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है तो वो फटाफट क्या करेगी, अपने घर पे वापस आने की कोशिश करेगी। अभी पहले इसका घर ये था, नीचे वाला था, ठीक है ना, T2G वाला घर था, बट अभी क्या हो गया, अभी उसका घर क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी क्या हो गया, बिकॉज उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो क्या हो गया, घर उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी वो कहाँ पे चला गया, EG में चला गया।
अब अगर ईजी में अगर वो चला गया तो वो क्या है भाई, एक्साइटेड स्टेट है, उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा एनर्जी में वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज़्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन है वो फटाफट नीचे आ जाएगा, और जो उसने एनर्जी अब्जॉर्ब करी होगी, वो तो अब्जॉर्ब करी थी, तो वो एनर्जी जो एनर्जी होगी वो उसने रिलीज़ कर दी, और जो एनर्जी उसने जैसे विजिबल लाइट अब्जॉर्ब करी थी ना, तो वही एनर्जी उसने जब रिलीज़ कर दी तो भाई वो क्या हो जाएगी, वो आपकी आंखों में पड़ेगी और आप इस चीज़ को क्या करोगे, देख पाओगे। और इसी कारण से आपका क्या हो जाता है, इस कंपाउंड में क्या हो जाता है, कलर आ जाता है। इस कंपाउंड में क्या हो जाता है, कलर आ जाता है। ओके, ये वाली चीज समझ आती है कि नहीं आती है? तो बस ये वाली चीज है। मैंने क्या बोला, सिंपल सी लॉजिक मैंने बोला, मैंने बोला ट्रांजिशन मेटल में आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, टी टू जी नीचे आ गए और ई जी कहां पे चले गए, ऊपर चले गए। तो अभी देखिए इधर क्या होता है, अभी देखिए दो एनर्जी, एक एनर्जी नीचे वाले की क्या है, कम है, ऊपर वाले की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो भाई क्या होगा, नीचे वाला जो होगा ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, कहाँ से, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, विजिबल लाइट ही एब्जॉर्ब कर लेगा। तो भाई उधर क्या हो जाएगा, तो वो जो उसने लाइट एब्जॉर्ब करी उससे क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में वो चला गया तो उधर ज़्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वो फटाफट अपने घर पे वापस आने की कोशिश करेगा, नीचे वाले घर में, टी टू जी वाले घर में, ठीक है ना। जब वो वापस आने की कोशिश करेगा, जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी विजिबल लाइट, वो उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, वो उसको निकाल देगा। जब वो उसने निकाल दी तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, वो अपने घर पर आ गया वापस। तो वो जो उसने एनर्जी निकाल दी थी वो आपकी आंखों पे पड़ी और आप उस चीज को क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक है ना। ये सारी की सारी एक अंदर कार्रवाई होती है, एटम के अंदर कार्रवाई होती है, तभी आप लोग इसको देख नहीं पाते हो। अभी देखिए बाकियों ने ऐसे थोड़ी ना करना है, बाकियों ने दूसरे सेंस से करना है, बट आप लोग केमिस्ट हो तो आपको थोड़ा चीजों के अंदर घुसना है, ठीक है ना, चीजों के अंदर घुसना है कि हाँ भाई एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में आपको चीज पता होनी चाहिए। देखिए लोगों को यह पता है कि भाई लाइट जब पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, लाइट उसके बंदे के ऊपर पड़ी, उधर से क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आंखों पर ऊपर पड़ी, हम उस चीज बंदे को देख पा रहे हैं। बट आप क्या हो भाई, केमिस्ट हो तो आपको पता होना चाहिए ना क्या कार्रवाई हुई। पहले ग्राउंड स्टेट था, जब लाइट उसके ऊपर पड़ी तो फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो बस ये कार्रवाई आपको पता होनी चाहिए थी। ओके, होप ये थिंग, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ओके, अगर इतनी चीज़ अगर आप लोगों को क्लियर होती है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना भाई। देखिए ये वाली चीज़ बताता हूँ, ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कलर व्हील होता है, ये कलर व्हील, ठीक है ना। इसको हम ऐसे डालते हैं, गोला डालते हैं, और इधर ये डाल दिया मैंने, ये, ठीक है ना। ये होता है वायलेट कलर, ये होता है ब्लू कलर, जैसे वीप गायर होता है ना, वीप गायर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, यही होता है ना। मैंने क्या बोला, वायलेट की एनर्जी क्या थी, सबसे ज़्यादा थी, इसकी एनर्जी क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेड वाले की, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोग समझिए, इसको ड्रॉ कर लेंगे, मैंने उधर शायद नोट्स में ये नहीं डाला हुआ है, तो ये वाली चीज़ आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी देखिए इस चीज़ को डालने का मेरा क्या मकसद है। अभी देखिए मैंने आपको बताया विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट है ना, देखिए वीप गायर, यही सात कलर्स होते हैं ना आपके, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना, यही। अभी देखिए इधर इंडिगो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, इंडिगो इधर वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, इधर इंडिगो वो मतलब नहीं लिखा है भाई, ठीक है ना, तो मैं क्या ही बोल दूँ, ठीक है ना। तो मतलब नहीं लिखा, इधर कलर व्हील में छह ही कलर्स होते हैं। आप बोलोगे सर क्यों नहीं लिखा, वो मेरे को खुद नहीं पता भाई क्यों नहीं लिखा, बिकॉज भाई वो इन जो ये वाले कलर्स हैं तो इन्हीं के मिक्सचर में से वो वाला कलर भी बन जाता है, ठीक है ना। पता तो है मेरे को भाई, इनका कोई मिक्सचर ले लोगे इन दो कलर का तो वो इंडिगो बन जाएगा। जैसे आप लोग बोलोगे सर ब्लैक क्यों नहीं है, ठीक है ना, तो भाई वो बन जाता है, अगर डिफरेंट कलर्स लोगे, उनका मिक्सचर लोगे तो आपका वो कलर तो बन ही जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो वो वाला लॉजिक है। तो अभी देखिए इधर क्या हो गया, वेवलेंथ इसकी क्या है, कम है, और रेड की क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो भाई अभी देखिए लॉजिकल जो बात है, अभी मैंने क्या बोला, विजिबल लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है, मतलब इनमें से कोई ना कोई उसके ऊपर लाइट पड़ सकती है ना। अगर देखिए ये होता है कलर व्हील, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, कलर व्हील। पेपर में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखना होगा तो भाई, बट अपनी जो आपको मैंने बोले एक रफ को नोटबुक लगानी है उधर तो ये लिखना ही है, ठीक है ना। तो इधर क्या होता है, अगर देखिए एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जो उसको कंप्लीट कर देता है, ठीक है ना। अगर देखिए वायलेट कलर एब्जॉर्ब होगा ना तो आपको दिखता है येलो कलर, मतलब ये इसका अपोजिट वाला, मतलब वायलेट से ये वाला अपोजिट वाला। अगर रेड होगा ना, ये रेड होगा तो आपको कौन सा दिखेगा, ग्रीन। रेड अगर एब्जॉर्ब होगा तो आपको दिखेगा कौन सा, ग्रीन। जैसे वायलेट होगा तो येलो, देखिए ये इसके इधर इधर आ रहा है ना ये वाला, अगर रेड होगा तो ग्रीन, रेड होगा तो ग्रीन, रेड होगा तो ग्रीन, अगर ब्लू होगा तो कौन सा, ऑरेंज। तो बस
अपोजिट भी कहानी यही है, येलो होगा तो वायलेट दिखेगा, ग्रीन होगा तो रेड दिखेगा, और अगर ऑरेंज होगा तो ब्लू दिखेगा। बट कभी कभी पता है क्या सीन हो जाता है, डायरेक्टली ऐसे नहीं होता, कभी कभी क्या होता था, अगर देखिए इस वाली साइड वाला, ये बीच वाला अगर एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो बीच वाला दिखेगा, बीच वाला तो इधर है ही नहीं कुछ, तो ऑरेंज और येलो का मिक्सचर हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे होता है, तो मतलब जो जो कलर उसने एब्जॉर्ब करा होगा वो कलर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसको आप लोग बोलते हैं जो अपोजिट वाला कलर होता है ना, जैसे वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, येलो हो गया, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो गया, वायलेट हो गया, रेड का क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन का क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है ना। तो ये कलर होते हैं, तो मतलब ये चीज़ होती है, ये वाले कलर आपको दिखते हैं, ठीक है ना। अगर एक एब्जॉर्ब कर लिया तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, उधर से निकलेगा, रिफ्लेक्ट होगा वो, और वो आपकी आंखों के ऊपर पड़ेगा। जो एब्जॉर्ब होगा ना वो तो भाई एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है ना, वो थोड़ी ना दिख पाएगा अभी, वो तो एब्जॉर्ब हो चुका है, उसकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया उसको, ठीक है ना, तो वो थोड़ी ना दिखेगा अभी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो दूसरे कलर जो दिखते हैं, कौन सा कलर दिखता है जो उसको कंप्लीट करता होगा, जो को उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिख जाता है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिख जाता है कलर व्हील के हिसाब से। तो ये वाली चीज़ हो गई। इतनी चीज़ अगर आप लोगों को जैसे वायलेट एब्जॉर्ब होगा, येलो दिखेगा, रेड होगा तो ग्रीन दिखेगा, ब्लू होगा तो ऑरेंज दिखेगा, तो ये वाली चीज़ हो गई। इतनी चीज़ अगर आप लोगों को अगर समझ आती है तो भाई आगे हम मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए क्या होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ना उनमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी मूव करते हैं, जैसे अभी आपको थ्योरी तो समझ आ गई, ठीक है ना, ये चीज़ तो पूरी समझ आ गई। तो अभी देखिए अगर क्या करा, ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री का भी सीन मैंने बता दिया, ठीक है ना। अगर क्या करेगा सब्सटेंस, अगर देखिए रेड वाला अगर एब्जॉर्ब करेगा तो आपको चीज़ क्या दिखेगी, ग्रीन दिखेगी, ठीक है ना, आर जी, बिकॉज अगर रेड वाला कलर एब्जॉर्ब हो गया तो रिफ्लेक्ट कौन सा होगा, ग्रीन वाला, जैसे ये वाला है ना, ये वाला, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 ऊपर और 3 नीचे, ठीक है ना। रेड अगर एब्जॉर्ब हो गया, रेड इसने एब्जॉर्ब करा था तो भाई एक्साइटेड स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा ना, एनर्जी जो रिलीज करी वो उसकी किसकी किसके बराबर होगी, ग्रीन कलर के बराबर होगी, और ग्रीन कलर आपकी आंखों के ऊपर दिखेगा। तो ये वाली चीज़ होती है, ये वाला कलर होता है, ठीक है ना। तो अभी डिफरेंट आइंस के कलर दिए होंगे, ठीक है ना, वो वाली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि भाई ये वाली चीज़ हो गई, कॉपर का जो नमक होता है ना, जैसे कॉपर का नमक हो गया Cu+2 Cu, ये होता है ब्लू कलर का। तो आप लोग बोलोगे भाई ब्लू कलर है इसका, तो भाई एब्जॉर्ब इसका होना चाहिए भाई ऑरेंज कलर, मतलब दिखा आपको कौन सा दिख रहा है, जो जो मेरे को दिख रहा है कॉपर का कलर कौन सा होता है, ये वाली चीज़ आपको याद करनी है। बट अभी देखिए थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको याद यही करना है कि ब्लू कलर होता है कॉपर का, कॉपर का क्या कलर होता है, ब्लू कलर होता है। बट जो आपको दिखेगा, जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ब्लू कलर है। बट जो एब्जॉर्ब हुआ होगा वो थोड़ी ना दिखे, वो तो एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब कौन सा हुआ होगा आपके हिसाब से, अगर कलर व्हील अगर आप देखो तो ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है ना, ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है ना। तो बस ये वाली चीज़ आप लोग समझते हो कि ऑरेंज एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो भाई ऑरेंज एब्जॉर्ब नहीं होता, इधर कुछ रेड रेड जैसा कुछ होता है, मतलब मैंने बोला था ना बीच में कभी कभी लाइन में पड़ जाते हैं, तो ये वाली चीज़ होती है। बट आपको सिर्फ ब्लू ही याद रख लेना इसका, बाकी इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये चीज़ याद रखना कि इसका ब्लू कलर होता है। ये सिर्फ आपको माइंड में पता होना चाहिए कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, एब्जॉर्ब हुआ होगा जो आपको रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के ऊपर पड़ा होगा वो कौन सा कलर होगा, ब्लू। तो इसलिए आपको कॉपर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है ना। और वैसे ही भाई आपका जो ये वाला चीज़ होता है कोबाल्ट, एक होता है कोबाल्ट एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब इसमें कोई पानी वगैरह नहीं होगी, कुछ और चीज़ होगी, कुछ और चीज़ लगी होगी इसके साथ, ठीक है ना, एनहाइड्रस कोबाल्ट +2। तो इसका कलर भी हो क्या होता है भाई, ब्लू कलर, इसका कलर भी क्या होता है, ब्लू कलर। इसने भी वही रेड कलर एब्जॉर्ब करा होता है, जैसे आपके हिसाब से कलर व्हील के हिसाब से कौन सा कलर है, ब्लू ऑरेंज करना चाहिए था, बट भाई बीच वाली लाइन में कहीं वो कलर व्हील के हिसाब से कर रहा होगा, तो दैट्स वाई उधर कौन सा कलर हो रहा होगा, ये वाली चीज़। तो भाई एक ये वाली एग्जाम्पल अभी मैं आपको, ये वाली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे एक टाइटेनियम, ये आपकी मतलब हमेशा करवाते हैं पेपर में पूछे जाते हैं टाइटेनियम, तो ये वाले सभी सारे टीचर्स करवाते हैं, जैसे टाइटेनियम ये वाला 6, ये वाला मैंने इसका ये लिख दिया Titanium+3, टाइटेनियम ये ऐसे ऐसे है ना, ये Ti+3 है ना, मैंने क्या बोला था, जब एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया मतलब पानी में डाल दिया तो आपका इसका क्या कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो अभी टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम नंबर है इसका 22, कॉन्फिगरेशन क्या होगी, जैसे 3D2 4S2, तो टाइटेनियम प्लस थ्री, तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, 2 इधर से और 1 इधर से, बचा क्या 3D में, क्या बचा, 1 ही बचा। तो अभी इधर लिख लीजिए डी ऑर्बिटल्स में लिख दूँ इधर टाइटेनियम के, 3 4 5 है ना, डी ऑर्बिटल्स किसके लिख दिए मैंने, Titanium+3 के, तो इधर एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, अभी ट्रांजिशन मेटल है ना, तो एक क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, देखिए आपके 2 ऊपर चले, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई ना, तो 3 नीचे आ गए, 2 ऊपर और 3 नीचे, तो इधर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ याद रख लेना, इधर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो नीचे जाएगा, पहले आपको लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है पहले, बाद में नहीं ऊपर नहीं जाते, ये होता है लो एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, तो ये वाला, ये क्या बोला, क्या ग्राउंड स्टेट,
ये वाला क्या है भाई आपका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट लिख दीजिएगा इसके नीचे, ठीक है ना। और जब क्या करा इसने, क्या करा एब्जॉर्ब करी कौन सी येलो लाइट, जब इसने क्या करी येलो लाइट एब्जॉर्ब करी तो आपके क्या हो जाए ये ऊपर इधर से क्या चला गया ऊपर चला गया, उसको आप इधर से क्या चला गया ईजी में चला गया, ये क्या था टी टू जी था ना नीचे, तो ऊपर से नीचे से क्या कहाँ चला गया भाई ऊपर चला गया, तो इधर ऐसी चीज़ बन गई होगी, ठीक है ना। इधर से मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला ऊपर लिखना है मैंने, ठीक है ना, ये वाली चीज़। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँच गया भाई ऊपर पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुँच गया ना तो ईजी में इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, ठीक है ना। अब ईजी से जब इलेक्ट्रॉन अपने घर पे वापस आएगा तो भाई ये अगर और येलो इसने अब्जॉर्ब कर लिया, येलो इसने अब्जॉर्ब कर लिया तो आपके हिसाब से ये कौन सा दिखना चाहिए, दिखना चाहिए भाई वायलेट, वायलेट दिखना चाहिए, ठीक है ना। बट आपको ये कैसे दिखता है भाई, ये आपको दिखता है पर्पल कलर का, ये आपको कलर कैसा दिखता है भाई पर्पल कलर का दिखता है, ठीक है ना। पर्पल कलर का मतलब ये थोड़ा बहुत है पर्पल, आपको पता है रेडिश, थोड़ा डार्क रेडिश टाइप होता है, वायलेट मतलब एक हिसाब से भी होते हैं, ठीक है ना। आपको दिखना चाहिए था वायलेट, बट आपको ये दिखता कैसा है भाई, आपको ये दिखता है कैसा पर्पल दिखता है, ठीक है ना। मतलब येलो क्या हुआ, येलो एब्जॉर्ब हुआ था, येलो एब्जॉर्ब दिखना चाहिए था आपको वायलेट, बट दिखता ये किसका पर्पल की तरह। ये वाले आप कलर देख लेना, ठीक है ना, आप कैसे होते हैं वायलेट कैसा होता है पर्पल कैसा होता है आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए दिखा कैसा आपको, मैंने बोला आपको दिखना चाहिए था वायलेट बट दिखा पर्पल, पर्पल भी आपने मिक्सचर मान लेना कि उधर क्या रेड और किसका, रेड और ब्लू का क्या होता है मिक्सचर होता है, रेड और ब्लू का क्या होता है मिक्सचर होता है पर्पल कलर। ये कुछ ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, बस आपको सिर्फ इतनी चीज़ याद रख लेना कि भाई पर्पल कलर का ये दिखता है, ठीक है ना, पर्पल कलर का दिखता है, ठीक है ना। टाइटेनियम का ये वाला कम्प्लेक्स है ना, ये टाइटेनियम का पर्पल कलर का दिखता है, बिकॉज ये उधर से नीचे की तरफ आएगा तो ये इधर से एनर्जी रिलीज कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा तो वो आपकी आंखों के ऊपर पड़ेगी, आप चीजों को क्या कर पाओगे देख पाओगे, ओके, ये वाली चीज हो गई। तो बस ये वाली चीज आई थिंक मैंने ऊपर ऊपर से ज्यादा मतलब इतनी चीज समझ तो आई गई होगी, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे स्कैंडियम Si Sc+3, स्कैंडियम का नंबर कितना होता है 3d1 4s2, अगर तीनों इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया इसने स्कैंडियम ने, जैसे स्कैंडियम का था ना ये वाला चीज़, अगर स्कैंडियम प्लस थ्री का क्या हो जाएगा, दो इधर से तीनों लूज हो रहे, थ्री डी में क्या होगा जीरो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ऊपर एक्साइट क्या करेगा, तो इसलिए दिस इज नॉट कलर्ड। टाइटेनियम प्लस फोर, टाइटेनियम प्लस थ्री का तो देख ले, इसका भी क्या हो जाएगा थ्री डी जीरो, तो इसमें तो भाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो भाई ये क्या होगा, ये भी कलर नहीं होगा, कलरलेस कंपाउंड होगा, ठीक है ना। बाकी आपने देख लिए, बाकी Cu+, Ag+, Zn+2, Cd+2, इनके जब आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो ये क्या होती है, ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉपर इस D10, इसकी भी D10, इन सभी की क्या होगी D10, तो ये क्या भाई फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो भाई इधर भी क्या एक्साइटेशन उधर हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज फुलफिल्ड में क्या होगा, फुलफिल्ड में ये सीन होगा ना, ये देखिए ये ऐसा एक दो ऊपर दो होंगे, एक दो नीचे ऊपर नीचे, ये वाली चीज़ ऊपर की क्या जाएगा भाई, इधर भी सारा पीयर्ड है तो एक्साइट क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो भाई चीज़ होती है कि ये वाले क्या होते हैं कि ये वाले क्या होते हैं कलरलेस कंपाउंड होते हैं, ये वाले जो मैंने जॉइंट्स लिखे ये क्या कलरलेस हैं। तो एक और चीज़ लिख लीजिए भाई, एक और चीज़ है जैसे आपने बोला है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भाई ये कलरलेस क्यों है, इसका रीज़न पता क्या है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये कलरलेस इसलिए हैं भाई बिकॉज, इसका क्या रीज़न है, बिकॉज जो इनर्जी होती है जैसे उधर क्या होते हैं पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स होंगे ना, पी ऑर्बिटल्स जैसे इधर आपने पढ़ा था सोडियम, सोडियम में क्या होगा पी ऑर्बिटल्स, तो इनके बीच में इनर्जी पता क्या होती है, इनर्जी क्या होती है जैसे आपका इधर स्प्लिटिंग तो होती नहीं है पहले, जैसे इधर T2G और EG में स्प्लिट हो गया ना, T2 एंड EG में इनकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, तो इधर एक्साइटेशन इधर आसानी से हो जाती है, बट इधर जा क्या होते हैं जब अगर स्प्लिटिंग तो होती नहीं है इतनी आसानी, बट हो भी जाए ना तो एक इतना ऊपर होगा, मतलब ऐसे एक क्या होगा, एक समझो ऊपर होगा, एक कहाँ पे होगा नीचे होगा, ठीक है ना, एक ऊपर होगा बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी गैप क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, वो कहाँ पे करेगा यूवी में लाई करेगा, अगर यूवी रेडिएशन मैं इसके ऊपर डालूँ तो फिर भाई वो चीज़ एक्साइट करती है, जब वो एक्साइट करती है यूवी रेडिएशन एक्साइट करती है तो भाई विजिबल की क्या है कम है, तो भाई एनर्जी अगर मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी चाहिए होगी, अगर उसको इधर तक पहुंचना होगा तो यूवी लाइट के बराबर उसको एनर्जी चाहिए होगी तभी वो ऊपर पहुंच पाएगा, बट अगर यूवी लाइट आपको पता है यूवी लाइट अगर आपको मिल जाए तो भाई वो कलर थोड़ी ना चीज़ दिखती है, वो सिर्फ चीज़ें आप विजिबल लाइट में भी देख पाते हो, यूवी में नहीं देख पाते, यूवी तो यूवी का अलग काम है, विजिबल का काम ही यही है कि आपको चीज़ें दिखाना, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए ये देखिए ये कलर्स के बारे में जान लेना भाई, ठीक है ना, कलरलेस ये वाले कलर के बारे में जान लेना, कलर कौन कौन से कलर होते हैं किन किन चीज़ों के, जैसे
Sc+3, इसका कलर है Sti+3, तीन दो तीन याद रहेंगे तो भाई वही याद रखने, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये कहाँ पे होता है, जब आपने किस में डाला होता है, ये वाला ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने एक्वेटेड, मतलब जब पानी में डाला होता है, जब आपके इनके जो इन आयंस के सॉल्यूशन में जब आपने पानी में डाला होता है तो ये वाला कलर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए भाई इसका कौन कौन सा कलर होता है। जैसे ऊपर वाले के यहाँ कलरलेस है, तो नीचे वाला जैसे ये 3D10 होगा, ये भी कलरलेस होगा। जैसे कॉपर का मैंने बता दिया इसका क्या होता है, ब्लू कलर होता है। टाइटेनियम+3 का भाई पर्पल कलर होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, पर्पल कलर होता है, ठीक है ना। इसका वैनेडियम ब्लू, जैसे इधर क्या होगा आयरन का, क्रोमियम का देखिए भाई ब्लू कलर, ठीक है ना। मैंगनीज का पिंक कलर, आयरन+3 का येलो कलर, आयरन+2 का ग्रीन कलर। तो ये वाले सारे कलर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको अच्छे से ये वाला टेबल देख लीजिए, अगर कलर याद, इतने सारे तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़े इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। जैसे भाई आपका जिंक का पता, जिंक का तो पता है कलर ऐसे होगा, ठीक है ना। कॉपर का पता होना चाहिए, निकल का पता होना चाहिए, कोबाल्ट का पता होना चाहिए, आयरन वगैरह के पता होना चाहिए, मैंगनीज क्रोमियम इनके पता होना चाहिए। भाई सारे इंपॉर्टेंट है भाई, मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। वैनेडियम वाले रहने देना, ठीक है ना। बट ये पेपर में पूछते हैं भाई कभी कभी, ठीक है ना। है तो सारे इंपॉर्टेंट, अभी मैं देखिए जब मैंने देखते इनको देखने लगा तो मेरे को तो सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। कोई भी ट्रिक लगा के ये याद कर लेना तो आपको अच्छे से हो जाएंगे भाई। ओके, थैंक यू।